गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर आशीष। और आज की वीडियो में जो डिस्कस हो रहे टॉपिक, अब आपका न्यू पैटर्न चेंज हो गया है एस ए वन और एस ए सेकेंड। एस ए वन तो टोटली पूरा एमसीक्यू रहेगा 2021-22 में, और जो एस ए टू होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, उसमें वन लाइन और टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी तो आप प्रिपरेशन ऐसे वन की कीजिए जो कि नवंबर या दिसंबर में हो गया। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग वीडियो में कमेंट भी करते जाइए कि आपको किस तरीके क्वेश्चन चाहिए, तो वो क्वेश्चन मैं अपडेट कर दूँगा। ओके, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और अपने डाउट भी बताते रहिए कि हाँ सर इस टॉपिक पे डाउट है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये डिफरेंट टॉपिक है। चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, एंड लाइफ प्रोसेस मीन्स द सिस्टम मेंटेनिंग योर बॉडी, इट मीन्स लाइफ प्रोसेस। एंड लाइफ प्रोसेस इंक्लूड डिफरेंट बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। These different body system include life process. And first, you are study as the digestion or nutrition. Digestion means complex food material change simple form with the help of enzyme. Enzyme, it means biological catalyst. Any process slow and fast. And enzymes, it is secreted as the एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, गिव आंसर। ओके, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं, एक्सो से होते हैं कि इंडो से होते हैं। और आज का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। एनर्जी फूड कौन कौन से हैं जिससे हम लोग की बॉडी में क्या होती है, एनर्जी मिलती है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट और सेकेंड फैट, इनसे बॉडी में क्या मिलती है, एनर्जी। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करता है। विटामिन क्या करता है, बॉडी सेल में ग्रोथ करने में हेल्प करता। और वाटर बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ये है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एंड कार्बोहाइड्रेट में होता क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स भी होते हैं, ये तो आप हाई क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इतना सिर्फ आप ध्यान रखिए कि एनर्जी जो प्रोवाइड होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फ्रूट। ओके, डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, बिना मारे हुए। ये टॉपिक आपने स्टडी किया होगा न्यूट्रिशन में। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, बिना मारे हुए आंसर आएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ये डायग्राम भी आप देख रहे हैं, ये डायग्राम दिया गया कसकटा और हिंदी में बोलते से अमर बेल। और इसका जो अनदर नेम है इससे बोलते डॉडर। तो दिस पिक्चर इंडिकेट एज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, पैरासिटिक में एनिमल्स के भी एग्जांपल आते हैं, जैसे टिक्स है, माइस, लाइस है। तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक। और ये यहाँ पे कंप्लीट प्लांट का डायग्राम बना दिया गया, कसकटा, पैरासिटिक प्लांट, डोडर। क्वेश्चन नंबर, अब इसी में एक्सप्लेन किया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट क्या होते हैं, जो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं डेड और डिकिंग। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। एग्जांपल फंजाई, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम टू आउटसाइड। These enzymes break the complex substance which are present in the dead organic matter into the simple substance.
सो दिस पिक्चर इंडिकेट एज द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये पिक्चर जो रिप्रेजेंट की गई है ये की गई आप सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, आपको पता होगा जो हेट्रोटॉपिक है उसी का टाइप होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई, फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? तो फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक। फिटिक में ऑर्गनिज आ जाएगा और ट्रॉफिक हम न्यूट्रिशन का टाइप बोलते हैं। ओके, सो ये सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है एंड होलोजोइक है। ये तीनों टाइप आते हैं आपके हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल आएगा ग्रीन प्लांट्स एंड हेट्रोट्रॉपिक में एग्जांपल आ जाएंगे जितने भी एनिमल्स होते हैं। ओके, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी एग्जांपल आ जाएंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। प्लांट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे किस प्रोसेस द्वारा? तो ये तो आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया होगा, यदि वाटर एब्जॉर्प्शन है तो वहाँ पे बात आएगी ऑस्मोसिस। ओके, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, और यदि गैसेस की बात है तो वहाँ पे आएगा डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्मोसिस। ओके, और यहाँ पे यदि रूट के पास पूछा जाए कौन सा टिश्यू होता है तो वो आंसर आएगा जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता, इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 5th, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है प्लांट में? तो यहाँ बात ये फोटोसिंथेसिस बात हो रही है प्लांट की, और प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है ये होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। सो द राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में देना है कि जिससे पता चलेगा आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही आपका रिस्पॉन्स हो करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, अभी फिर बीच में पूछेंगे हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इन अमीबा, अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर। फूड इज डाइजेस्टेड इन द अमीबा में फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है? तो अमीबा में जो फूड डाइजेस्ट होता है ये होता है फूड वैक्यूल, जनरली यू नो एज द डिफरेंट प्रोसेस अमीबा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। एंड इन दिस क्वेश्चन एज द अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस, सो एज द राइट आंसर एज द फूड वैक्यूल। एंड दिस पिक्चर डिपिक्ट एज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में न्यूट्रिशन कौन सा होता है? होलोजोइक होता है। ओके, अमीबा फूड कैसे ऑब्टेन कर रहा? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, एंड स्यूडोपोडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। सो टू फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया, फीडिंग एंड लोकोमोशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इन द सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी एमाइलेज क्या होता है? इंजाइम होता है। इज लैकिंग इन द सलाइवा, सिलेवरी एमाइलेज क्या करता? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता शुगर में, ठीक है? तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलेवरी एमाइलेज। और अब आपको आंसर भी देना कमेंट बॉक्स में, राइट द फंक्शन ऑफ सिलेवरी एमाइलेज, क्या फंक्शन है सिलेवरी एमाइलेज का? मैंने अभी आपको आंसर भी बताया है,
वो आंसर गिवन भी है। तो सिलेबरी एमाइलेज क्या करता, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। एंजाइम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पहले कोई चीज़ क्या होती है कॉम्प्लेक्स, और बाद में किस में चेंज हो जाती है सिंपल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं सबसे ज़्यादा, तो डाइजेस्टिव फूड सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करता है, इसका वर्क है इट हैव द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो गया है उसे क्या करना है, एब्जॉर्ब कर लेना विलाई। ओके, बिल्ली मत ध्यान रखना, बट बिल्ली के बेस पे यहाँ पे ट्रिक आ जाएगी, VILI विलाई। तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो हर्बीवोरस एनिमल है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप इसे बोलते हैं इसोफेगस, इसमें जो फूड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, जो प्रोसेस हो रही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इसे बोलते हैं पेरिस्टुलेटिक मूवमेंट। जैसे फूड माउथ से आपका बकल कैविटी से होते हुए इसोफेगस में जाता है, खाना खा रहे हैं आप, फूड इसोफेगस में पहुंच रहा है, तो इसकी वाल्स में क्या हो रहा, पेरिस्टुलेटिक मूवमेंट, और उसकी वजह से फूड ईजली कहाँ पहुँच रहा है, स्टोमक में पहुँच रहा है। स्टोमक इट इज़ द जी सेप ऑर्गन, एंड स्टोमक प्रेजेंट नियर द स्टोमक प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस, एंड गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट डिफरेंट एंजाइम HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। दिस इंक्लूड दैट राइस वाटर कंटेन, राइस वाटर में क्या कंटेन है, यदि इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कलर यदि ब्लैक हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है स्टार्च, ठीक है, तो ब्लैक कलर इट इज़ इंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बोला था कि जो हर्बीवोरस एनिमल है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होते हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं प्लांट पे, और प्लांट में क्या होता है सेलुलोज, और सेलुलोज के डाइजेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, और जब किसी भी एनिमल में डाइजेशन में टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर जो इनकी इंटेस्टाइन है वो क्या होगी, लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई अनएब्जॉर्ब फूड। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ से फूड कहाँ पहुँचा, लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल आपका क्या था, अनडाइजेस्टेड, इसको रेगुलेटेड कौन कर रहा, आंसर आएगा एनल स्पिनिक्टर। ओके, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है वाटर का, ठीक है, और फूड मटेरियल का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये दोनों में मेन पॉइंट दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन, और सेकंड क्या दिया, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, What are the product obtained by anaerobic respiration in plant? देखिए respiration two type का होता है, aerobic, anaerobic. Aerobic का means क्या होता, presence of oxygen. And anaerobic का means क्या होता, absence of oxygen. Okay? तो aerobic में example क्या जाए, plants है, animal है, एंड एनारोबिक में एग्जाम्पल किया जाएगा माइक्रो ऑर्गनिज। तो यहाँ पे पूछा गया इसका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, कुछ प्लांट्स में भी क्या होता है एनारोबिक भी होता कुछ कंडीशन में,
तो इसका जो प्रोडक्ट है इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ये होता है इसका लास्ट प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। पाइरूवेट टूट रहा है और जब पाइरूवेट टूटेगा तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ए पॉइंट भी आपका है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा। ओके, और इसमें दिया गया क्या क्या फॉर्म होता है, जैसे पाइरूवेट टूटता है, पाइरूवेट में नंबर ऑफ कार्बन क्या होते, 3। देखिए पहले क्या होता, ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ तो नंबर ऑफ कार्बन क्या फॉर्म हो गए, 3। तो यहाँ पे जो बोल सकते थे ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है। सो द राइट आंसर, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस टेक प्लेस एज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ सेल, सेल के लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सो द राइट आंसर साइटोप्लाज्म। ओके, एंड ग्लाइकोलिसिस का मींस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यदि पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस का मींस क्या है, तो वहाँ पे आप राइट कर सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, वेयर डज कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ये आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉजेस क्रैम्प्स। कहते हैं कभी कभी ज़्यादा आप लोग मेहनत कर लेते हैं तो आपको थकावट फील होती है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फॉर्म हो जाती है, तो वहाँ पे फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म एज द लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जिसकी वजह से फॉर्म करते हैं हम लोग थकावट। ओके, तो ये यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, आगे 10 क्वेश्चन और लेफ्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस या नेम द पोर्स इन ए लीप थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपको आंसर यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे आंसर आएगा स्टोमेटा, द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इट हैव द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एंड स्टोमेटा ए प्रजेंट किस में होते हैं, लीप्स में। इसके अलावा स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा के दोनों तरफ जो सेल होती है इन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड गार्ड सेल के बाहर की ओर क्या होता है, एपिडर्मस सेल। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है। सो ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में होता है, ब्लड में होता है। यदि बोला जाए हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो आप बोलेंगे ब्लड में। हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है, एच बी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है और क्या बनाता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बॉडी के जिस पार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन को पहुँचा देता है। सो हीमोग्लोबिन इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स।
क्लियर। तो हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बाकी पिगमेंट भी दिए गए, कैरोटीन है, क्लोरोफिल है और माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑर्गन्स होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीव्स। इसमें कौन सा प्लांट टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा? वाटर में, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा, तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। जाइलम इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ओके, तो जाइलम का वर्क क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और फ्लोएम का वर्क क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो दोनों के यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? जाइलम, और सेकंड फंक्शन क्या है? फ्लोएम। इसके अलावा यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू भी मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रहा फूड मटेरियल का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन मींस ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। और ट्रांसपायरेशन मींस क्या हुआ? प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका बाहर निकलना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या? एनर्जी मिलना। एवेपोरेशन का मतलब क्या? जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, इसका क्या होना? लिक्विड से वेपर फॉर्म में। सो द राइट आंसर ट्रांसलोकेशन, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों क्या होते हैं? इनका वर्क क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल। दिस पिक्चर इंडिकेट ट्रांसपायरेशन। और यहाँ डेफिनेशन भी दी है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स में वाटर का लॉस होना, क्लियर। तो ये टॉपिक आप स्टडी करेंगे, ट्रांसपायरेशन इन प्लांट। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, डिफाइन ट्रांसलोकेशन। इसका आंसर YouTube कमेंट बॉक्स में देना है। एंड डिफाइन ट्रांसपायरेशन, दोनों डिफाइन करना, ट्रांसलोकेशन क्या है और ट्रांसपायरेशन क्या है। दोनों के आंसर YouTube कमेंट बॉक्स में आपको राइट करने हैं, क्योंकि यही आंसर डिपेंड करते हैं आपका रिस्पांस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट से इंटायर बॉडी, सो द आंसर इज आर्टरी। आर्टरी क्या करती है बॉडी में? क्या होता है ब्लड वेसल्स में? क्या होता है? आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है। तो यहाँ पे मेन आंसर क्या होगा? आर्टरी। आर्टरी में क्या होता है? प्योर ब्लड। वेन्स में इम्प्योर ब्लड, बट एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन्स कैरी प्योर ब्लड। आर्टरी में क्या होता है? अब्सेंट बल्ब्स, एंड वेन्स में क्या होता? प्रेजेंट बल्ब्स। ओके, आर्टरी में ब्लड क्या होता? अंडर हाई प्रेशर, बट वेन्स में ब्लड क्या होता? लो प्रेशर फ्लो होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम इज सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा होता है? सो द राइट आंसर लिम्फ। लिम्फ क्या होता? ये भी ह्यूमन बॉडी में होता है। ओके, और लिम्फ फ्लो कहाँ पे होता है? लिम्फेटिक बेसल्स। लिम्फेटिक बेस बॉडी में क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फेटिक बेसल्स है, लिम्फोसाइट है, लिम्फ नोड है, तो ये सभी पार्ट आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे। ओके, तो कंपेयर भी आपके सिलेबस में है, कंपेयर बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ।
तो यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंगल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आर टू टाइप, सिंगल एंड डबल। हम लोगों में क्या होता है डबल, बट जो फिश है इसमें क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल और द पसेस थ्रू द बॉडी इट एक्सेप्टेड बाई। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड का सर्कुलेशन ओनली वन टाइम होता है, बट डबल सर्कुलेशन में ब्लड का सर्कुलेशन टू टाइम्स होता है। सो द सिंगल सर्कुलेशन में एग्जाम्पल क्या आएगा, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस, एनाबस, ये सभी एग्जाम्पल आएंगे सिंगल सर्कुलेशन ब्लड का मूवमेंट। ठीक है, इन ह्यूमन हार्ट ओनली वन टाइम, इट इज़ कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। एंड ब्लड का मूवमेंट इन ह्यूमन हार्ट टू टाइम्स, इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल में क्या आएगा, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। डायग्राम में आप देखिए किडनी है और लास्ट में क्या है यूरिनरी ब्लैडर, इसके बाद यूरिथ्रा है, तो इसको कनेक्ट कौन कर रहा है। तो डायग्राम में ही मेंशन है यूरेटर, कि यूरेटर क्या करता है, ये एक ट्यूब होती है जो कनेक्टेड होती है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी में जो हार्मफुल नाइट्रोजन वेस्ट है, रिमूविंग ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, और बॉडी में मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स क्या होता है, किडनी। किडनी इट इज़ द मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो किडनी का मेन वर्क क्या होता है, बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना। इसके अलावा ए क्या कहता है, इट इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट। और यहाँ पे डायग्राम दिया है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इट इज़ द यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट एंड वाटर इन टू द ब्लड कैपिलरीज। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन्स के किस पार्ट में होता है। डायग्राम में देखिए आप, नेफ्रॉन्स का डायग्राम है और यहाँ पे जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ये होता है ट्यूबल में। ठीक है, ट्यूबल्स होती है नेफ्रॉन्स की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ट्यूबल्स। अब आपको एक आंसर भी देना है, आंसर क्या है, यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की यूनिट क्या होती है। इसका आंसर आप YouTube के कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, किडनी की यूनिट क्या है। और ये डायग्राम दे दिए यहाँ पे नेफ्रॉन्स का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो बोल सकते बेकार ब्लड है ये कहाँ पहुँचता है। भाई बेकार ब्लड है तो इसको तो साफ करना पड़ेगा, और साफ कहाँ करें, बॉडी में ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स कौन सा होता है, किडनी। तो किडनी का वर्क क्या होता है, ब्लड को क्या करना, फिल्टर। ओके, सो एज द क्वेश्चन, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी, बॉडी का जितना गंदा ब्लड है ये कहाँ पहुँच रहा है। तो पूरी बॉडी का जो गंदा ब्लड है, नाइट्रोजन वेस्ट है, लिक्विड फॉर्म है, एक किडनी में जा रहा, और वहीं पे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। ओके, और किडनी की काउंटिंग कितनी होती है, किडनी ह्यूमन में होती है 2। और एक्सक्रीशन के बेस पे एनिमल्स होते हैं अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। हम लोग होते हैं यूरियोटेलिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोसीडर यूजफुल फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाई सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट्स। द प्रोसीडर कौन सी प्रोसीडर है, प्रोसेस कौन सी है जिसका यूज़ किया जाता है ब्लड को क्लीन करने में। ठीक है, उसकी यूरिया को अलग करने में, तो प्रोसेस का नाम है डायलिसिस, या इसी को बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस। ओके, हीमोडायलिसिस में क्या होता है, कभी कभी पर्सन की किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी वर्क नहीं करती है, तब हम लोग यूज़ करते हैं हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है कि ब्लड्स में जो
नाइट्रोजन वेस्ट है, यूरिया है, इसको अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पे अभी आगे एक पिक्चर इंडिकेट की गई है डायलिसिस की। इसमें देखिए यहाँ पे टू ट्यूब्स को कनेक्टेड कर दिया जाता है, एक से प्योर ब्लड है जो इम्प्योर ब्लड पहुँच रहा है और फिल्टर होके प्योर ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुँच रहा है। तो ये डायलिसिस मशीन दी गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द या विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले जो यूरिन होता है किडनी में पहुंचता, किडनी के बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में कहाँ पहुंचेगा, यूरिथ्रा में पहुंचेगा। तो इट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, ये यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है करेक्ट है, पहले किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में कहाँ पे होगा, यूरिथ्रा। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और यदि इस तरह के क्वेश्चन और भी आप चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन को वन टाइम क्लिक कर दीजिए, इससे आपको बायो रिलेटेड काफ़ी टॉपिक मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो पहले चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर आप लोग कीजिए, ओके, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट टॉपिक एमसीक्यू रहेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, और अपने प्रॉब्लम और डाउट को बताते रहे कि हाँ मुझे इस टॉपिक में डाउट हो रहा है, तो वो टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। हाँ, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम हाज़िर होंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड दिस पिक्चर से आप डीपली देख लीजिए, डायग्राम दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो इस पिक्चर को ही आप लोग स्टडी कर लीजिए। एक वीडियो हम अपडेट करेंगे आगे जिसमें चैप्टर फर्स्ट के पूरे डायग्राम, जितने भी डायग्राम हैं, हर डायग्राम को आपके सामने यहाँ पर डीपली स्टडी किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।